तो हे गाइस दिस इज कॉफी एंड यू आर वाचिंग द कॉफी डॉक शो आज के हमारे गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो 25 कंट्रीज में शोज कर चुके हैं और सबसे ख़ास बात वो मेरे गुरु भी रह चुके हैं सो so, स्वागत है सर आपका आपको कैसा लग रहा है और आप कैसे हो आ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा हूँ स्पेशली मीटिंग यू आफ्टर सो मैनी ईयर्स एंड आई एम सो हैप्पी फॉर कॉफ़ी सो so, uh, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है सर uh, आप एक ऐसे सिटी से हो जहाँ डांस का ए नहीं आता था किसी को किसी को पता नहीं था डांस तो आपने एक शुरुआत की और एक डांस uh, की परिभाषा बदल दी तो उसके बारे में बताइए सो डांस सबको आता है मेरे हिसाब से और uh, हम सब सबे, सब सबको पता है डांस क्या चीज़ है सिर्फ प्रोफेशनलिज्म uh, नहीं था डांस में तो uh, मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ डांस करता था कॉलेज में मैंने फर्स्ट टाइम जब डांस किया था तब मैं टेंथ स्टैंडर्ड में था और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं डांस कर सकता हूँ एंड uh, जो पहली चीज़ होती है डांस से वो है आप बहुत पॉपुलर बन जाते हो जैसे कि मैंने कहा कि डांस सबको आता है सिर्फ फ़र्क वो होता है कि जो कर लेता है और जो नहीं करता तो कॉलेज uh, में फिर जब uh, कुछ फ्रेंड्स मैंने बनाए ताकि मैं डांस कर सकूं उनके साथ में दो साल उनके साथ डांस किया कॉम्पिटिशन्स किए Uh, तब ऐसे लग रहा था कि हाँ हम हाँ, बहुत अच्छा डांस करते हैं बट फ्यूचर नहीं पता था कि क्या होने वाला है तब बूगी वूगी कॉम्पिटिशन आता था उसको थोड़ा सा देख के थोड़े से स्टेप्स कॉपी करके तब इतनी क्रिएटिविटी नहीं थी बट लाइफ चेंज्ड जब मैं ट्वेल्थ में क्लियर नहीं कर पाया और फिर मैंने डांस छोड़ दिया मैं फैक्ट्री जाने लगा अपने एंड देन uh, अचानक हमारे स्कूल से हमें एक इनविटेशन लेटर आया कि शामक डावर के यहाँ से कोई तो भी आया है तो यू कैन जॉइन द क्लासेस और तब uh, मैं खुद हो तो नहीं गया बट मेरे अंकल ने मुझे मोटिवेट किया क्योंकि मैं डांस अच्छा करता था उन्हें पता था तो उन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन करवाई वहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद में मुझे पता चला ऑनेस्टली कि प्रोफेशनलिज़म uh, क्या होता है एक डांस uh, इंस्टीट्यूट नाम की चीज़ क्या होती है डांस एकेडमी क्या होता है कैसे सिखाया जाता है प्लस टू बिकम अ डांसर क्या एफर्ट डालने पड़ते हैं uh, तो वो कॉम्पिटिशन से बहुत बढ़ के चीज़ होती है टू बी अ डांसर आजकल हम ज़्यादा देखते हैं कि लोग कॉम्पिटिशन की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर वीडियोज़ uh, बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बट uh, सचिन मैं आपको भी जानता हूँ uh, जब आप हमारे साथ थे तब हम बीस बीस गाने एट अ फ्लो नाचते थे तो अब वो चीज़ें बदल गई हैं और अफकोर्स वक्त के साथ सबको बदलना चाहिए बहुत हमारे हमारे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आज वीडियो वर्ल्ड में बहुत नाम कर रहे हैं सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि डांस uh, के बारे में आई थिंक नासिक में डांस पहले से था वी आर अ वेरी कल्चरल सोसाइटी इन नासिक बट डेफिनेटली प्रोफेशनलिज्म हमने लाया एंड आई वुड वॉन्ट टू थैंक माई गुरु आकाश कर्नाटकी हू टॉट मी हाउ टू बी प्रोफेशनल एंड देन ऑल द स्टूडेंट्स हू ट्रस्टेड मी स्पेशली दायर गैंग जो तुम्हारे साथ में थी उससे पहले कि जिन्होंने ट्रस्ट किया कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि काफ़ी लोगों का डांस में करियर बन गया है। सो so, uh, जिस तरह से मतलब अतुल सर ने बताया कि बहुत uh, चीज़ें जो है uh, प्रोफेशनलिज्म जो एक सिटी को मिली तो आई थिंक uh, हम बहुत uh, हमारा भाग्य है कि आप जैसे गुरु हमको मिले और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली तो मैं अगले सवाल की तरफ जाता हूँ तो जैसे कि अभी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है लैपटॉप आ गया है आईपॉड आ गया है फिर उसकी तरह ब्लूटूथ आ गया है दो मिनट में गाना एडिट हो जाता है वीडियोस बना लेते कहीं पे भी जाते तो इस आपका एक दौर था 25 से 30 साल पहले का जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो आप किस तरह वो फेस करते थे और किस तरह आपने वो चीज़ें एडजस्ट की सो so, हम तो डेफिनेटली हम बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स में थे अगर आज की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा जाए तो बट हम बहुत सॉर्टेड थे हमें पता था कि हमारे पास में कसेट प्लेयर है और जब हम परफॉर्मेंस के पहले देते थे तो हम उसको रिवाइंड करके प्रॉपरली वो पॉइंट पर देते थे कि वो कसेट बराबर बजे कई लोगों की नहीं भी बस्ती थी और क्योंकि मेरे पास में एक कसेट प्लेयर था मुझे अभी भी याद है तो कालिदास में पीछे बैठ के हम सब लोगों का वो कसेट रिवाइंड फॉरवर्ड करके हम एक्चुअली वो पहुंचाते थे साउंड वाले तक और डांस के अलावा मैंने अपना करियर डी में भी ट्राई किया था सो वो टाइम था जब मैं एंथनी के साथ एंथनी के लिए काम करता था तो बहुत सीखने मिला उनसे भी रिगार्डिंग साउंड एंड एडिटिंग पहले तो कंप्यूटर में नहीं होता था पहले हम लोग एक एम्पलीफायर में जैसे ऑक्स वन और ऑक्स टू होता है तो दो कसेट प्लेयर लगाते थे और बहुत सारी कसेट्स को पहले से क्यू करके रखते थे उस पर कि ये गाना इसमें है ये गाना इसमें है इसके बाद में ये गाना बजेगा तो वो ऑक्स वन ऑक्स टू थे मिक्सिंग करते थे फिर जब कंप्यूटर आया और यू नो सॉफ्टवेयर आया एडिट करने का तो डिस्क मैन भी आ गए थे सीडीज बननी शुरू हो गई थी सो ये एडिटिंग वो टाइम पे शुरू की अब और Uh, तब में क्या डिफरेंस था वो ये था कि हमें पता था कि चैलेंजिंग टाइम्स है तो हम प्रिपेयर्ड रहते थे अब के टाइम में अगर लोगों को बोल दो कि अरे क्या है तुझे तो सिर्फ क्यू रेडी रखना है एम तो है या वी फाइल तो है बट वो नहीं हो पाता वो भी नहीं हो पाता है सो इट्स फनी बट यू नो हम ब्लेम नहीं कर सकते किसी को तो so, uh, जैसे मैंने सुना है कि uh, बहुत साल पहले पंद्रह uh, मिनट तक डांस करते थे Uh, एक ही ट्रैक जो है वो पंद्रह मिनट का रहता था और डांसर्स कंटिन्यू स्टेज पे फिफ्टीन मिनट्स तक डांस करते थे आज के ज़माने में दो तीन मिनट में ही गाना खत्म हो जाता है तो वो टाइम और इस टाइम में नए डांसर और पुराने डांसर में क्या फ़र्क लगता है आपको हाँ सो यू नो आई कोटेड दैट आल्सो कि पहले डांसिंग वॉज मोर अबाउट फन स्टेमिना एंड फिजिकलिटी एंड होल्डिंग ऑडियंस Uh, अब डांसिंग बहुत वर्चुअल हो गया है वीडियो रिलेटेड हो गया है और होना भी चाहिए आई I मीन mean, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं uh, जब से इंडिया में डांस कॉम्पिटिशन आए हैं यू नो डांस इंडिया डांस आ गया या जो भी हम इतने सारे सुपर डांसर्स और ये सब देखते हैं जिसका आप भी एक हिस्सा रह चुके हो तो आपको ही पता है कि उसमें डेढ़ से दो मिनट में आपको सारी कलाकारी दिखानी है uh, पर जब आप स्टेज पे डांस करते हो जो जो हम करते थे या जिसमें मैं स्पेशलाइज करता हूं उसमें कलाकारी नहीं होती है उसमें डायरेक्शन होता है उसमें होल्डिंग ऑडियंस होता है और आप एक आ, कुछ चीज बया कर रहे होते हो बिना कोई इफेक्ट के सो so, एक गुरु परफॉर्मर और एक लर्नर तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि उसमें क्या होना चाहिए सिंसियरिटी और गुरु हो या परफॉर्मर हो वो लर्नर जरूर होना चाहिए क्या बात बोल दी सर ने तो सर आ, मेरा अगला सवाल जो है बहुत सारे रियलिटी शोज आ गए हैं लोगों को बहुत आसानी से अभी पता चल जाता है कि रियलिटी शो में क्या हो रहा है बट जो एग्जैक्टली exactly, जो अंदर की चीज़ें वो नहीं पता चलती हर एक माता पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी रियलिटी शो में दिखे आ, या वो आए तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे क्या प्रोसीजर होती है या क्या स्टेप बाई स्टेप जाना पड़ेगा सी सबसे पहले तो मैं रियलिटी शोज को ऑनेस्टली सपोर्ट नहीं करता हूँ बट uh, मैं मोटिवेट करता हूँ अगर किसी को डांस के लिए उधर जाना है तो क्योंकि इतने सारे रियलिटी शोज़ हैं आप उसका हिस्सा रह चुके हो सचिन और हमारे कुछ और लोग रह चुके हैं और ऑनेस्टली uh, नासिक में से हम ही थे पहले जो रियलिटी शोज तक गए थे uh, क्योंकि आपके पास में एक इंस्टीट्यूट था आपके पास में एक फॉर्मल ट्रेनिंग था कि अगर मैं डांसर नहीं या मैं एक फेमस आर्टिस्ट नहीं बन पाया तो मैं डांस सिखा सकूँगा Uh, सब लोग उस चीज़ के लिए प्लान नहीं करते uh, पहले जैसे बॉलीवुड के लिए लोग हीरो बनने आते थे रोज 20 से 30 लोग आते थे पर घर पे भी उतने ही जाते थे uh, पूरा आइडिया ये है कि जब तक आप पूरी तरह से डांस सीख ना जाओ यू you नो know, फॉर्मली कोई भी इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हो सीख ना जाओ डोंट ट्राई फॉर रियलिटी शोज क्योंकि इवेंचुअली लोग सिर्फ विनर को याद रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ विनर के साथ में होते हैं और जैसे बोला जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है तो बहुत सारी स्टोरीज बन जाती हैं और आजकल लोग मजाक भी उड़ाते हैं रियलिटी शोज का कि जो गरीब है वही आगे जाएगा वो फैक्ट था वो फैक्ट था जब इनिशियली शुरू हुआ था बट अभी क्या हो गया कि वो एक टेम्पलेट बन गया है कि भाई गरीब दिखाओ मजबूर दिखाओ और लोग वोट देंगे लोग इसके साथ में जुड़ जाएंगे और लोग उसको लाइक करेंगे और फिर कितनी लाइकिंग्स आती हैं उस हिसाब से हम इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे आई डोंट सपोर्ट रियलिटी शोज एज एट बट आई सपोर्ट द टैलेंट दे आर शो अगर यही शोज बिना विनर और बिना कोई इसके हो जाए कि जिसमें कोई कंपटीशन ना हो ऐसा कोई शो जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं है सिर्फ लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं अपना टैलेंट दिखा रहे हैं तो कितना मजा आएगा ओके okay. सो so, uh, मेरा जो नेक्स्ट सवाल है आई uh, थिंक ये सवाल बहुत लोगों को uh, है आपने एक मूवी किया था रिसेंटली 2017 में बद्रीनाथ की दुल्हनिया तो आलिया भट्ट के अपोजिट आपने एक रोल किया था तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और आलिया भट्ट के साथ डेफिनेटली uh, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा था बहुत अच्छा था वो लोग बहुत टैलेंटेड है एंड uh, वो मुझे मिला क्योंकि मैं बॉम्बे में था वो टाइम पर एंड मैं कोर्स कर रहा था एक्टिंग का क्योंकि हम शोज़ करते हैं काफ़ी सारे तो उसमें अभी हम एक्टिंग भी करवाते हैं सो so, मुझे भी एक फॉर्मल डिग्री चाहिए थी बैरी जोन्स में मैंने कोर्स किया मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था जो बहुत बड़ा डायरेक्टर है और थैंक्स टू हिम शशांक हैतान उनका नाम है वो भी नासिक से ही है तो उन्होंने गाइड किया और मैं वो रोल कर सका कैमियो रोल एंड एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल पहला शूट हमारा मुंबई में ही था फिर हम कोटा गए वहाँ पर शूट किया और समझ में आया कि इतने बड़े प्रोडक्शन के साथ काम करने का मजा क्या होता है बहुत प्रोफेशनल वे में चलता है एंड यही चीज़ मैं बार बार दोहराऊंगा कि जब कोई चीज़ फिल्म बहुत सब बना रहे हैं बट प्रोफेशनल टच जब आ जाता है तो उसका एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आप उससे सीखते हो आपको ये समझ में आता है कि जब आप अपने अपना शो करोगे या अपनी फिल्म बनाओगे तो आपको ये सारी अच्छी चीज़ें पिक करनी है यहाँ से और जहां पे थोड़ी बहुत कमी दिखती है कि यहाँ हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं सो आई हैव अ वेरी गुड ऑब्जर्वर बिकॉज ऑफ यू नो डूइंग दैट फिल्म आई गॉट टू लर्न अ लॉट और uh, मजा तो बहुत था क्योंकि मैं बारह लाख रुपये लेके भाग गया था सो so, uh, अभी तक मुझे तो अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं आपको नहीं अभी तक अनजान लोग मुझे ये पूछता है तू तो बारह लाख रुपये कब दे रहा है तो कभी कभी मैं कनेक्ट नहीं कर पाता बट फिर आई अंडरस्टैंड कि uh, मेरा नेगेटिव रोल था और आलिया भट्ट के पैसे में लेके भागा था सो <laughs> so, uh, अभी मैं वापस पीछे uh, जाता हूँ uh, जैसे 25 कंट्रीज आप घूमे थे तो वो जर्नी के बारे में बताइए कि आपने किस तरह वो जर्नी कंप्लीट की एक भी कंट्री में कोई जाता है डांसर तो उसको बहुत uh, अच्छा फील होता है उसका ड्रीम होता है तो आप तो 25 कंट्रीज़ घूमे तो उसका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सो एक्सपीरियंस वंडरफुल था uh, मैं जब uh, जो अकेडमी में था वो जब मैंने छोड़ी और मैंने सोचा कि अब मुझे मैं टीचर बन चुका था अच्छा और एक जैज डांसर था आ, पर अब मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है तो ये अपॉर्चुनिटी आई और मैं मैंने ऑडिशन दिया सरोज जी के सामने और मैं सिलेक्ट हुआ इसके लिए इंडिया से काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट हुए थे आ, और इसमें भी मुझे मेरे एक स्कूल के फ्रेंड ने ही हेल्प किया था कि यू नो ऐसे ऐसे ऑडिशन हो रहे हैं और तू ऑडिशन दे तो मैं सिलेक्ट हुआ उसके बाद में छः महीना पहले हमने मुंबई में ही रिहर्सल किया तो तीन गाने रेमो सर ने तीन गाने गणेश आचार्य जी ने गणेश हेगड़े ने प्लस राजू सुंदरम ने तो ऐसे ऐसे कोरियोग्राफर्स जो माने हुए कोरियोग्राफर्स हैं उन्होंने कोरियोग्राफ किए तो उनके साथ में सीखने का पहले तो बहुत मजा आया एंड सिक्स मंथ्स उसमें मिक्स डांसर्स थे आधे डांसर्स थे जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे और आधे डांसर्स थे जो टेक्निकल बाहर से आए थे कुछ फोक डांसर्स कुछ पहले तो वो जर्नी मतलब जब शुरू ही हुआ तो वो इतना लर्निंग था उसमें आ, क्योंकि मैंने ऐसा सेटअप ऐसा चीज़ ऐसा माहौल कभी देखा नहीं था अभी तक हम सिखा रहे थे और ऑर्गेनाइज कर रहे थे यहाँ पे मुझे ना तो कुछ ऑर्गेनाइज करना था ना सिर्फ नाचना था नाचना था और सिर्फ परफॉर्म करना था ऑलमोस्ट बीस गाने थे तो आ, पहले तो हमने वो शो पूरा छः महीने तक रिहर्स किया वो इसराइल कंपनी थी शो बिका हमारा फिर हम पहले हम जब इसराइल जा रहे थे तो ये एपिसोड तो सबको पता है जो छब्बीस जून या छब्बीस जुलाई को जो पहली बारिश आई थी मुंबई में और वो ही दिन था जिस दिन हम फ्लाइट लेने वाले थे इसराइल के लिए अब मैंने आज तक कभी फ्लाइट किधर भी नहीं ली मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट भी नहीं ली थी और मैं सीधा इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने जा रहा था सो so, एक्साइटमेंट भी था बट ऐसी बारिश हुई उस दिन कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई और हम जू में रहते थे वो टाइम पे तो हम अटक गए वहाँ पे अमेजिंग फ्रेंड्स बने अमेजिंग दोस्ती हुई इतने सारे डांसर्स के साथ में अलग अलग अकेडमी से आए हुए थे अलग अलग फील्ड से आए थे अलग अलग परिवार से आए थे इसराइल जाने के बाद फिर हम तीन महीने जब वहाँ पर रहे समझ में आया कि बाहर जाने के बाद में प्रो प्रोफेशनलिज्म अगेन क्या होता है Uh, यहाँ पे हम देखते हैं जब स्टेज बनता है तो कैसे दस लोग काम कर रहे होते हैं फिर कुछ हिल रहा होता है कुछ यू नो डैमेज होता है और वहाँ पे मैंने uh, देखा कि हमारे स्टेज में ना तीन चार दिन के बाद में एक जगह पे कुछ ऐसा होल हो गया था छोटा सा होल हो गया था हो या कुछ डैमेज हो गया था हम बाहर खड़े थे चाय पी रहे थे एक मर्सिडीज़ में बंदा आया सूट वूट पहन के अपना ट्रंक खोला उसने और एक बैग निकाला और अंदर गया वॉशरूम में उसने चेंज किया और वो एक्चुअली कारपेंटर था और उसने एक बैग निकाला और अकेला आदमी ने वो पूरा स्टेज खोला और वापस से असेंबल कर दिया बराबर से सो so, वहाँ पे जाके ये समझ में आया कि यू नो you know, इंडिया में लेबर चीप है बट अगर ये टेक्नोलॉजी या ये आ, ये एजुकेशन इंडिया में आ जाए तो हम इंडिया में भी ऐसे शोज कर सकते हैं बहुत सारे सो so, वो आर, आ, वहाँ पर जाने के बाद में जो ऑडियंस है उनको जो बॉलीवुड डांसिंग से या इंडिया से जो लगाव है वो अमेजिंग था अभी तक हम सिर्फ डांस कर रहे थे और परफॉर्म कर रहे थे ये म्यूज़िकल करने के बाद में मुझे समझ में आया कि हम कैसे डांस को स्टोरीज के साथ में जोड़ सकते हैं कैसे उसके अंदर इमोशंस ऐड कर सकते हैं क्लासिकल डांसिंग में ऑलरेडी होता है पर वेस्टर्न में हमने वो सीखा नहीं था तो ये नई चीज़ सीखने को मिली और आने के बाद में फिर मैंने भी यू नो काफ़ी सारे म्यूजिकल्स किए सो हर कंट्री में नया जोश और मस्ती थी फ्रांस uh, में एंड यू नो मिडल ईस्ट में जॉर्डन में इजिप्ट में यूएस uh, में सो यस थैंक्स टू भारत अभी जैसे आपने अब्रॉड में बहुत सारे शोज़ किए और वो जर्नी बहुत सारे लोगों के साथ बड़े बड़े कोरोग्राफी के साथ आपकी चालू हुई तो उसमें कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ लाइफ में कि बहुत मजा आया और बहुत हंसे हम लोग और ऐसा कोई एक इंसिडेंस एवरी डे वॉज फन सचिन तो आई रिमेंबर दिस वन फनी एपिसोड क्योंकि मस्ती करने की बहुत आदत थी uh, मेरे और हमारे जो हम uh, जब ब्रेक होता था तो एक रिसोर्ट में जाके रहते थे सो so मेरे साथ में कुछ साउथ के डांसर्स थे uh, राजू सुंदरम के और uh, दो रेमो के डांसर्स थे सो so हमने डिसाइड किया कि ऐसे कुछ एक्टिंग करते हैं कि सैफ करके बंदा था कि इसके अंदर ना भूत आ गया है इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है तो पहले मैंने सिर्फ मैंने और सैफ ने ट्राई किया और हमने देखा कि ये जो साउथ के थे बंदे ये बहुत डर गए बहुत डर गए और फिर उनको रियलाइज हुआ और स्नोफॉल हो रहा था आई थिंक ये दिसंबर के आसपास का ही टाइम था तो हमने बोला यार ये बहुत मजेदार आइडिया हुआ एक काम करते सब में फैला देते हैं कि सैफ में ना भूत आ गया और सैफ ने इतना अच्छा कैरी किया उसको ऑलमोस्ट एक घंटे तक क्रिश्चियन होली वाटर ला रहे थे हिंदू अपनी कुछ और ला रहे थे इतने सारे धर्म के लोग आके अपनी अपनी पूजा पाठ करने लग गए कि इसको क्या हुआ है क्योंकि मैं ऐसे एक्टिंग कर रहा था कि भाई मैंने देखा इसने क्या किया इसने मुझे उठा के फेंक दिया और साउथ वालों की भाषा वैसे ही किसी को समझ में नहीं आ रही थी और वो ओवर एक्टिंग कर रहे थे कि देखो मुझे मारा इसने ये वो और ऐसे ना वो लेट गया था इतना मजा आया जब पर लोगों को पता चला हमको दो दिन के लिए डिटेन कर दिया था कि किधर बाहर नहीं जा सकते घर रूम में रहना पड़ेगा सो सो यस दैट वाज अ वेरी फनी एपिसोड आई गाइस आप देख सकते हो कि जिस तरह से जर्नी थी सर की आ, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है बिकॉज बहुत छोटी जगह से थे बट उन्होंने जिस तरह से उनकी प्रोग्रेस आज तक बढ़ी है बहुत ही आई थिंक लर्निंग जो है बहुत ही सीखने जैसी चीजें उनके साथ सो नेक्स्ट राउंड की तरफ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट राउंड में आपको ये करना है सर दो पेज रहेंगे मैं आपके बैक के ऊपर एक ड्रॉ करूंगा वही सेम चीज आपको फील करके आपके पास जो पेज है वही आपको ड्रॉ करना है ठीक अच्छा। है तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या क्योंकि मैं करने वाला हूं पीठ के पीछे सो आपको आपको सेम चीज आपको फील करनी है आपके बैग अच्छा। के ऊपर कैसे ड्रॉ कर कर, कर रहा और इसका एक रूल ये रहेगा कि आप मुझे वापस भी पूछ सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं वो ड्रॉ कर दूंगा वापस ठीक है चलो सो स्टार्ट करते हैं सो so, इस तरीके से आ, सर ने जो ड्राइंग की है मैं आपको दिखा देता हूँ उसके पहले सर आपको क्या लगा ड्राइंग करते टाइम <laughs> मुझे नहीं समझ में आया मुझे पहले लगा कि तूने एक स्ट्रेट लाइन बनाई फिर कुछ बादल बनाए और फिर उसके बाद में कुछ अल्फाबेट लिखना शुरू किया आ, फिर जब मैं गिवअप कर दिया तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी यूज उस करके उसको बना दिया सो so, अभी मैं रिव्यूल करने वाला हूँ सर ने एक्चुअली बनाया क्या है मैंने थम्स अप बनाया है इधर मतलब तक सही जा रहा था ये देख नहीं ये जब मैं बना रहा था तो मैं इधर सही था है ना अबर, हाँ यहाँ पे सही थे बनाए तो थोड़ा ठंड है तो मैंने कॉफी बना दी thumbs up. So, uh, ये अ थम्स तो थोड़ा बहुत आई थिंक 50 परसेंट फेल हो गए थे सो so, बेसिकली uh, जो नेक्स्ट राउंड है उसमें सर uh, आपको एक चीट चूज करनी है mm -hmm. और उस वर्ड के ऊपर आपको बात करनी है क्या बात है? ठीक है ओके सो द मोस्ट स्पेशल पर्सन वाओनेस्टली देर इज नो वन इन पर्टिकुलर आई हैव अ लॉड ऑफ स्पेशल पीपल दैट इज बिकॉज आई डोंट जज पीपल द मोस्ट स्पेशल आर माई फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट बिकॉज वो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहां तक नहीं पहुँचता जहाँ हम बैठे हैं वो मेरे फैमिली की प्रॉपर्टी है uh, हर चीज़ जो मैं करता हूँ uh, वो उनके अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता फकोर्स मैं आई एम आई एम ग्रोन अप नाउ मुझे खुद को आई हैव अ चाइल्ड आई हैव माई वाइफ बट स्टिल समवेयर डाउन द लाइन आई ऑलवेज नीड एन अप्रूवल फ्रॉम माई फैमिली सो नेक्स्ट शीट की तरफ जाते हैं सर सो चलो पिंक चूज कर इंस्पिरेशन वाह ये नेवर ने एंडिंग है यू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम एवरी वन बिकॉज आई एम एन ऑब्जर्वर और मैंने पहले भी रेफरेंस में दिया कि यू नीड टू बी अ लर्नर ओके सो ओनली वेन यू आर ओपन विथ योर माइंड यू विल रियली सी पीपल एवरी पर्सन कैन इंस्पायर यू माई मॉम शी वर्क सो हार्ड बिना कंप्लेन किए बिना छुट्टी लिए चाहे वो बीमार भी होगी बट शी विल मेक श्योर की खाना है हम गर्म खाना खाएं My dad, my entire family. So I am. You might think that sir, family ki kar rahe, but you know uh, that is the biggest support system. When it comes to dancing, right from my friends who used to dance with me, then my sir, Akash Karnatki, who really, really, really inspired me, and I really looked up to him, and I wanted to be like him, and I know that somewhere down the line, I am like him. Uh, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाई माइकल जैक्सन अगर आप बोल रहे हो कि नासिक को डांस नहीं पता था और हमने कुछ इंट्रोड्यूस किया प्रोफेशनलिज्म सो ही डिडेट टू द वर्ल्ड यू नो और ऐसे लोग ही भगवान बनते हैं इसीलिए रेमो सर के हाथ पे भी माइकल जैक्सन है और हमारे दिल में भी माइकल जैक्सन है सो यस दैट्स माई ट्रू इंस्परेशन एंड यू सचिन आई नो फ्रॉम वेर यू स्टार्टेड फ्रॉम वेयर यू कम बट टू स्टिक टू योर पैशन दैट इज़ वॉट इंस्पायर्स मी क्योंकि चौबीस घंटे में ना ऐसे बहुत बार ख्याल आता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ बट हारने के बाद भी अगर आप फिर उठ के खड़े होते हो ना दैट इज समथिंग इज कॉल्ड इंस्परेशन एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाई ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल माई इंस्ट्रक्टर्स एक्स एंडियंस एंड द वंस वो आर विद मी राइट नाउ सो नेक्स्ट वापस जाते हैं सर अब ब्रेकअप ब्रेकअप okay. <laughs> के बारे में क्या बोलू uh, मैंने कभी किसी के साथ में ज्यादा अटैचमेंट दिखाया ही नहीं है कि ब्रेकअप मुझे फील हो ब्रेकअप uh, जैसी कोई चीज़ नहीं होती है uh, सिर्फ लेयर्स आ जाते हैं उसके ऊपर uh, और फिर आप भूल जाते हो उस चीज़ को और जो लोगों के ब्रेकअप अभी कोविड टाइम में हुए हैं uh, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहता हूँ कि डोंट ब्लेम इट ऑन कोविड और जो आप सोच रहे हैं ब्रेकअप करने का वो अपने आप को थोड़ा सा मौका दें थोड़ा सा टाइम दें ब्रेकअप सिर्फ बॉयफ्रेंड uh, गर्लफ्रेंड में नहीं होता है ब्रेकअप सिर्फ हस्बैंड वाइफ में नहीं होता है ब्रेकअप फ्रेंड्स में भी होता है ब्रेकअप ब्रेकअप इज रिलेटेड टू हार्ट यू नो सो ऑल दोज हु आर फीलिंग रियली लोनली रियली डिप्रेस्ड उनको ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है सो so मेरे पास एक तुरंत उनके लिए सोल्यूशन है हमारे डांस क्लास आइए जिसके साथ में भी आपको प्रॉब्लम है हम आपको बताएंगे कि एक सिर्फ दो मिनट का सालसा या पार्टनर वर्क करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो जाएगी सो वी कैन डेफिनेटली स्टॉप दिस ब्रेकअप ब्रेकअप करना है तो बैड हैबिट्स के साथ में कर लो ब्रेकअप करना है तो अपने लेजीनेस के साथ में कर लो बट uh, किसी पर्सन के साथ में मत करना सो so, ऑटोग्राफ लेते हैं हमारे गेस्ट से मिस्टर अतुल नारंग सर ऑटोग्राफ तो नहीं सचिन आई विल राइट माई बेस्ट विशेज टू यू सो थैंक यू सो मच अतुल सर आप हमारे शो में आए और ढेर सारी बातें की आपके एक्सपीरियंस शेयर किया और लोगों के सामने एक्चुअल में आप कैसे हो ये दुनिया के सामने बताया तो धन्यवाद वापस करता हूं और लास्ट में मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ एक नए आर्टिस्ट के साथ और जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी सो टिल देन बाय बाय